ये चिकन मैंने 5 रुपए के सिर्फ एक पैकेट मसाले से बनाया है, तो वीडियो पूरा देखिए ताकि पता चले मैंने ये कैसे बनाया है। और आप ये रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है। इसका ग्रेवी देखिए, ग्रेवी की थिकनेस देखिए कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है। और कलर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल देखा है, मैंने मनोज भाई का फ़ोटो लगाया है। वो क्यों लगाया है? वो इसलिए क्योंकि मनोज भाई से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो। मैं उनसे इंस्पायर होकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। सो प्लीज़ आप लोग उनकी तरह मुझे भी सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और आज आपका गोकुल किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई वो है, वो है एक चिकन की रेसिपी। तो ये हमने लिया है 1/2 kg चिकन, या 1/2 kg। हमने चिकन को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं दही, ये हमने 3 चम्मच लिया है दही। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने, और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। और सबको डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। हमें कम से कम आधा घंटा इसे रखना है। हमें चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल सारे पीस में अच्छे से मैरिनेशन मिल जाना चाहिए। हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे घंटे इसे रखेंगे। ये हमने कुकर रख लिया है, मैं इसे कुकर में बनाने वाली हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, ये हमने तेल को डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरा, ये हमने डाल दिया जीरा। और इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, इसमें 2 छोटी इलायची, और डाल रहे हैं 1 इंच हमने डाला है दालचीनी का टुकड़ा, और 3 डाले हैं लौंग और 2 तेज़पत्ता। और इसे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा बस भूनना है। और उसमें डाल देंगे हम प्याज, प्याज मैंने 1/2 kg प्याज लिया है। 1/2 kg चिकन और 1/2 kg ही मैंने प्याज लिया है। आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मैं बिना प्याज के भी चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको एक भी प्याज नहीं डालना है। बिना प्याज के आप बहुत ही अच्छी चिकन बना सकते हैं घर पे। मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। मैंने डाल दिया है इसमें नमक, प्याज के साथ नमक डाल देंगे ताकि अच्छे से प्याज गल जाए। हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज के साथ नमक को। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा पानी डालना है ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। हमने उसमें 1/2 ग्लास पानी डाला होगा। और पानी डालकर हम इसे बंद कर देंगे कुकर को, और कम से कम 3 से 4 सीटी हम उसमें लगाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए बिल्कुल प्याज, गल जाना चाहिए प्याज बिल्कुल। अब हम उसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। मसालों में हमने लिया है लहसुन, और उसमें हमने छोटे छोटे अदरक के टुकड़े को काट लिया है, और लिया है 3 मिर्च, ये हरी वाली मिर्च है जो लाल हो गई है मैंने वो डाला है, और थोड़ी सी जीरा और काली मिर्च लिया है। अब हम कुकर को खोल देते हैं, एक बार देखते हैं प्याज कितना गला है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी रिकॉर्ड करने में मुझसे मिस्टेक हो गई है, इस वजह से ऐसे दिख रहा है, उसके लिए वेरी सॉरी। और उसके बाद हमें देख लेना है, चेक कर लेना है प्याज हमारा कितना गला है। प्याज थोड़ी गल गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, यह हमने 1 बड़ी टमाटर लिया है, उसे रफली चॉप किया है और डाल दिया है उसमें। और उसे भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके और वापस कुकर बंद करके हम इसे 2 सीटी लगाएंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से बिल्कुल गल जाए। ये हमने वापस कुकर को खोल कर देख लिया है। देखिए, आप बीच बीच में एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा कि ताकि नीचे से कहीं चिपक तो नहीं रहा है प्याज और टमाटर, इसलिए आप ध्यान से इसे पकाइएगा। देखिए, प्याज और टमाटर लगभग गल चुका है। अब हम इसमें डालने वाले हैं चिकन, जो हमने 1/2 घंटे से मैरिनेट करके रखा हुआ है, वो हम चिकन ऐड कर रहे हैं इसमें। और चिकन डालकर हमें अच्छे से पकाना है, एकदम धीमी आँच पर। चिकन डालने के बाद हमें अच्छे से इसे चला लेना है और उसे हम कुकर का ढक्कन लगाकर पकाएंगे, पर उसका सीटी हम निकाल देंगे, सीटी हमें नहीं लगाना है। ऐसे ही ढककर हमें एकदम धीमी आंच पे इसे पकाते रहना है। हमने ढक्कन खोल दिया है चिकन डालने के बाद, और जो हमने मसाले पीस कर रखे थे वो मसाले हम इसमें डाल देंगे।
ये हमने मसाले डाल दिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद हम डालेंगे नमक। नमक हमने प्याज में भी पहले डाला हुआ है, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से नमक डालिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसे। अब हम इसमें डालने वाले हैं एवरेस्ट का मीट मसाला। फ्रेंड्स ये 5 रुपये का मिलता है, पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स मसाला, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इसे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। मैं दूसरा और कोई मसाला ऐड नहीं करती, मैं जब भी चिकन बनाती हूँ मैं यही मसाला यूज़ करती हूँ। आप इसमें एक पैकेट, मैंने हाफ के जी में एक पैकेट डाला है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इसमें सारे मसाले हैं, सारे गर्म मसाले हैं, तो अलग से कुछ और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाएंगे, और हमें कुकर के ढक्कन को सिर्फ ढककर ही पकाना है। उसका सीटी हमने निकाल दिया है, और नॉर्मली बस मैंने इसे ढक दिया है, ढककर ही इसे एकदम धीमी आंच पर पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छा पक गया है। अब इसे धीरे धीरे हम इसे चला लेते हैं। ये देखिए है ना, बिल्कुल यमी, देख के मुंह में पानी आ गया ना, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने वापस इसे ढककर 4 से 5 मिनट इसे कुक किया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा पक गया है, कलर तो इतना अमेजिंग आया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखिए कलर बहुत अच्छा आया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक सीटी लगाएंगे ढक्कन बंद करके। ये देखिए कुकर मैंने वापस खोल दिया है, एक सीटी लगाया है हमने। आप चेक कर लीजिए, अगर न पका हो तो आप 2 सीटी लगा सकते हैं। वैसे इतने अच्छे से भुन गया है चिकन की, एक सीटी से ज़्यादा आप इसे नहीं लगा सकते। देखिए चिकन पूरी तरह से गल चुका है। अब मैंने गैस को कर लिया है बंद, गैस हमने बंद कर दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ती, ये थोड़ी सी हमने डाल दी इस पर धनिया पत्ती, और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। फ्रेंड्स वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप लोग इसे घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी बनाकर तैयार कर सके इतना लजीज चिकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।